मुझे अभी भी दर्द हो रही है। अच्छा, ये आपने जो भैया मारा था, यस 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 यस, मैंने उसका ना बदला नहीं लेना, तो मैंने आपका कोई और एक्टिंग वाला काम तो नहीं देखा, मगर वो एड देखकर मुझे लगा यार ये बंदा बड़ा अच्छा एक्टर है। मुझे गुस्सा आप पे आता है। अच्छा। यार ये हर वक्त खा रहे, कितना खाएगा चॉकलेट, चॉकलेट खा खा के मोटा हो जाएगा। टैक्सी गेट नहीं, अच्छा टैक्सी गेट टैक्साली, अच्छा इसमें टैक्सी है ना, तो मुझे लगा शायद नहीं है टैक्सी, हर जगह टैक्सी नहीं है। नहीं नहीं है टैक्सी, कभी उनका मुंह काला हो जाता है, कभी उनकी नाक कट जाती है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप क्यों नहीं कुछ ऐसा कर? ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहरबान हूँ आपके साथ है ना, और आपके साथ है। मुझे बड़ी पसंद है, कह देना था ना आपको डांस नंबर रख ले, उन्होंने मुझे रख लिया फिल्म में, बहुत बड़ी बात है उनकी। डांस नंबर की फरमाइश करता हूँ, उन्होंने निकाल देना। ये जो इनकी दूसरी फिल्म आ रही है वो मेन फिल्म है, उसकी पे बात हम करते हैं, क्योंकि आप भी तो हैं। यस यस, क्योंकि उसके अंदर मैं भी हूँ। फिल्म का नाम है हेर फेर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। मेरे साथ बहुत प्यारे एक्टर मौजूद हैं, इनका नाम है उमर आलम, उमर आलम साहब, अभी तक यही नाम है आजकल, यही नाम है, नाम चेंज नहीं हुआ अभी तक। जो कोई ना इंडस्ट्री में होते ना लोग थोड़ी बाद नाम चेंज कर लेते हैं, थोड़े दिन मैंने शुरू में कर लिया था। यस यस, यानी आपका असली नाम ये नहीं है? नहीं, मेरा असली नाम जो है वो उमर इकबाल है। उमर इकबाल जो डॉक्यूमेंट, आप फिर उमर खान क्यों नहीं रख लिया? आजकल खान ज्यादा हिट हो जाते हैं। उमर खान जा नहीं रहा था ना सही। आए आलम जो है वो मेरे दादा का नाम। हाँ, तो भाई चेंज किसने किया नाम? ये मेरे मेंटर जो है यासिर भाई, यासिर हुसैन, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। उन्होंने मैंने बताया कि मेरे दादा का नाम आलम था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम उमर आलम क्यों नहीं कर लेते। यानी आपका पहला नाम आपके अबू ने रखा होगा, दूसरा नाम आपका मेंटर मेरे ने रख दिया आसिफ भाई ने। मैं ना जैसे वैसे पूछूंगा, मुझे भी कोई अच्छा सा नाम बताया, ठीक है? मैं पूछ के बताऊंगा उन्हें, मैं भी शायद हिट हो जाऊँ, कोई ऐसा मसला है। आप हिट हैं, हो क्या रहे हैं मतलब? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैंने आपको बताना, तो मुझे आपका ना वो चॉकलेट वाला ऐड बड़ा पसंद है, जो पीछे बैठ कर आप गाड़ी में चॉकलेट खाते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा तो पता, इसलिए कि मैंने ना क्या कहते, मैंने ड्रामे ज़्यादा नहीं देखता, मैंने आपका कोई और एक्टिंग वाला काम तो नहीं देखा, मगर वो ऐड देखकर मुझे लगा यार ये बंदा बड़ा अच्छा एक्टर है। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आपको कैसा लगता है इतना अच्छा ऐड करके? मुझे नहीं पता था कि ऐड इतना बड़ा हो जाएगा, मैंने तो एक वो नॉर्मल जो आप ऐड करते हैं उसी तरह से किया था, लेकिन इसकी इस कैंपेन को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से इज्जत मिल रही है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी उसके, है ना। हर 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 थोड़ी देर बाद आपका ऐड आ जाता है, कभी कभार तो गुस्सा आने लग जाता है, बस कर दो यार, कितनी दफा जाओगे, नहीं खा लूंगा चॉकलेट, खा लूंगा, मेरे पास पैसे होंगे मैं खा लूंगा, मगर बार बार दिखाने की नहीं जरूरत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे ख्याल से वो मजबूर कर रहे हैं कि आप मेहनत करें, पैसे कमाएं। वो नहीं करें, आप करें, आप करें। मैं नहीं लगा रहा, मैंने आपको फॉरवर्ड भी नहीं किया एक दफा। मुझे गुस्सा आप पे आता है यार, ये हर वक्त खा रहे, कितना खाएगा चॉकलेट, चॉकलेट खा खा के मोटा हो जाएगा। लेकिन मैंने उसी दिन खाई बस, उसके बाद नहीं खाई, खुद नहीं खाई। हर पांच मिनट बाद खा रहे हैं। मैं खा कहाँ रहा था, उनको दे देता था, भूल गए आप? ओ यस यस, मैंने कहाँ खाई? आपने नहीं खाई? अच्छा मुझे लगा आपने भी खाई है। नहीं नहीं, मैंने आपने नहीं खाई, ठीक है। यानी आपको उन्होंने दी नहीं चॉकलेट, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा था थोड़ा बस होता ना, आप शेयर करते हैं, ये लें थोड़ी सी खा लें, उन्होंने पूरी सारी रख ली उन्होंने अपने पास। चलो मैं ऐड पे क्यों बात है, अरे जिस वजह से आप आए हुए हैं, बल्कि मैं आया हूँ। हाँ हाँ, फिल्म 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 इनकी आ रही है, फिल्म बल्कि एक और फिल्म, ठीक है? कितनी भी फिल्म होगी आपकी? ये मेरी इनको भी नहीं आती गिनती, मैं बताता हूं, इनके जो मेंटोर है ना उनको भी एक गिननी पड़ी थी, वो मुझे तो जुबानी पता है एक। मेरी जो है ये चौथी फिल्म होगी, चौथी फिल्म जिसपे मेरा कैरेक्टर अच्छा बड़ा कैरेक्टर है। कमाल है, कमाल है। और इस फिल्म का नाम है टैक्सी गेट। नहीं, अच्छा टैक्सी गेट टैक्साली, अच्छा इसमें टैक्सी है ना, तो मुझे लगा शायद नहीं है टैक्सी, हर जगह टैक्सी नहीं है। नहीं नहीं है टैक्सी, अच्छा अच्छा टैक्साली है। नहीं नहीं, वो एक गाड़ी रुकती है ना जो जिसमें आप बैठ के चॉकलेट खाते हो, वो टैक्सी होती है ना। हम फिल्म की बात नहीं कर रहे थे? नहीं, दोबारा ऐड पे आ गए ना, ये मुझे पता नहीं। हाँ, वो टैक्सी थी, बिल्कुल बिल्कुल वो टैक्सी थी। तो वो टैक्सी फिल्म के बाद अब वो इन्होंने टैक्साली फिल्म की है। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया है। तो ये मुझे बताएं आप, ये बालों का स्टाइल क्यों नहीं चेंज होएगा आपका? हर ड्रामे हर फिल्म में यही बालों का स्टाइल है, और हो नहीं रहे किसी तरीके से, अब बाल जा रहे हैं, थोड़े समय गंजा हो जाऊंगा। जो मेंटोर है यासिर साहब, देखा आपने हर फिल्म हर एक के अंदर लुक उनकी चेंज हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही, कभी उनका मुंह काला हो जाता है, कभी उनकी नाक कट जाती है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप क्यों नहीं कुछ ऐसा कर? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता उनके साथ।
मगर लुक्स तो चेंज करते हैं। हाँ, लुक्स चेंज करते हैं, वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लुक्स के साथ। मैं जो हूँ, मुझे भी उस तरह से इतना काम मिल नहीं रहा एक्सपेरिमेंटल वाला कि मैं करूँ, तो जब मिलेगा तो फिर मैं क्या पता आप जैसे बाल करके आ जाऊँ, क्लीन शेव करके। यस यस, तो मुझे बताया आपका क्या रोल है इसके अंदर? इस फिल्म में मेरा लीड का कैरेक्टर, लीड जो लगती है ना, तार तार तार, ठीक है ठीक है ठीक है। हर वैसे हर बंदा इसमें कह रहा है मैं लीड करूँ, लीड करूँ, सारी लीड कर रहा हूँ, मैं भी लीड ही करूँ, अगर सब कह रहे हैं तो फिर मैं भी कह ही देता हूँ। इसमें क्या है वो, यासिर साहब ने तो बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं, आप इसके अंदर क्या है? मैं एक लाहौरी लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो जरा शैतान किस्म का है, तबीयत उसकी थोड़ी ठीक नहीं है, फिर अब्बा जी उसको फेंटी लगा के उसकी तबीयत ठीक करते हैं। बुखार हुआ वो डॉक्टर के पास जाएगा? बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएगा, अब्बा जी उसके डॉक्टर ही होते हैं, जो डॉक्टर को टीका नहीं लगाएगा, सिर्फ गोलियां देगा। यस यस, नहीं नहीं वो है, जरूरत है, बिल्कुल। आपके साथ कोई हीरोइन नहीं है? नहीं, मेरे साथ है। मुझे बड़ी पसंद है, मुझे बड़ी पसंद है उनको, वो जो अपने ना वो इंस्टा पे वो लगाती ना डांस वगैरह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा जबरदस्त लगता है। अच्छी, इंसान भी अच्छी है वो। यस यस, वो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। एक्टिंग जो मैंने ट्रेलर जितना एक है ना, मुझे लगा कि यार इन्होंने कमाल एक्टिंग की, इसमें कोई शक नहीं। तो आप फिल्म देखिएगा फिर बताइए। तो आपको थोड़ा ना वो तो फील नहीं हुआ कि यार वो शायद आपसे बेहतर एक्टिंग ना कर रही हो, ये ना हो जाए? कोई मसला नहीं, कर लें तो इसमें क्या है, वो हीरोइन पे हावी हो जाएगी ना आप पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं अपने हिस्से की मेहनत कर रहा हूँ, जो होगा वो करेंगे, जो उनके हिस्से की मेहनत है वो करके आगे बढ़ेंगे। मेहरबान, इतना अच्छा डांस करते हो, आपके साथ इनका कोई डांस नंबर है फिल्म में? अकेले डांस कर रही हूँ फिल्म में, अकेले डांस कर रही हूँ डायरेक्टर फिल्म में। अकेले कह देना था ना आपको डांस नंबर रख ले, उन्होंने मुझे रख लिया फिल्म में, बहुत बड़ी बात है उनकी। डांस नंबर की फरमाइश करता हूँ, उन्होंने निकाल देना था। अबू अल्ले हर साहब के साथ ही आपकी पहली फिल्म तो नहीं है? हाँ, पहली फिल्म यही थी, उसके बाद जो दूसरी कर रहा हूँ ना, वो उसमें उन्होंने फिर मुझे लीड वाला कैरेक्टर। यस 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 यस, ये जो इनकी दूसरी फिल्म आ रही है वो मेन फिल्म है, उसकी पे बात हम करते हैं। क्यों, आप भी तो हैं? यस यस, क्योंकि उसके अंदर मैं भी हूँ। फिल्म का नाम है हेयर फेयर, ठीक है, वो इंशाल्लाह ईद पे आएगी, चांस है ना? अभी तक अभी अब मुश्किल हो गया थोड़ा। अच्छा, मुश्किल हो गया, चांसेस थोड़े आगे के चले गए बड़ी ईद की वजह से। चलें, जो भी है ठीक है, वो फिल्म आएगी वो जरूर देखनी है, टक्साली गेट भी देखनी है, मगर हेयर फेयर इसलिए देखनी है कि उसमें मैं हूँ, उसमें ये भी हैं वैसे। हाँ, थोड़ा सा मैं भी हूँ, ज्यादा ये ज्यादा है। हाँ हाँ, इन्होंने मुझे मारा नहीं है, ठीक है। हाँ, प्यार किया, ज्यादा नहीं मारा, थोड़ा सा मारा। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे अभी भी दर्द हो रही है। अच्छा, ये आपने जो भैया मारा था? यस 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 यस, मैंने उसका ना बदला नहीं लेना, बस सही, शुक्रिया। हाँ, मुझे लगा कि शायद अब आप मुझे अपने कैमरा वैमरा से जो ये बंदे लेकर आए हैं अपने 12 लोग, आप उनसे मारेंगे? यस यस। तो मुझे बताएं आपको फिल्म किस तरह ऑफर हुई, किस तरह मिली? बोले यानी आपका कोई काम देखा या आपने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा, किस तरह का? नहीं नहीं, उनको मैंने अपनी चीज़ें क्लिप्स व्लिप्स दिखाए थे जो मैंने एक्टिंग की हुई है, वो सारे लिंक्स उनको भेजे थे पहले, क्योंकि इससे पहले भी किसी एक फिल्म में वो बात चल रही थी हमारी, लेकिन कुछ डेट्स का क्लैश आ गया, वो नहीं बन सकी। तो इसमें जब इनके पास ये कैरेक्टर आया था, उन्होंने कहा कि मैं आपको करना चाहता हूँ कास्ट इसमें, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। मेरे भी अब बोले के साथ हर फिल्म पे लेकिन बात चल रही होती है, तो वो डेट्स क्या वो सब कुछ क्लैश हो जाता है। हाँ, मेरे ख्याल से उन्हें आप पसंद नहीं है शायद। नहीं नहीं, पसंद हो तो मैंने किया है ना, एक ही किया ना, कितनी फिल्में कर ली उन्होंने? जैसे वो, इससे अंदाजा लगाएं आप, मैथ करें थोड़ा। जैसे वो साल में ना 12 फिल्में करते हैं। हाँ, एक महीने की एक फिल्म करते हैं, ठीक है रे। यानी आपने तो दूसरी कर ली। बिल्कुल, मैं दूसरी कर ली। अब आपकी बारी है, अब आपने उनके पीछे पड़ जाना कि दूसरी फिल्म करवाएं करवाएं करवाएं। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ये आइडिया अच्छा था। हाँ, अच्छा मुझे बताएं ये फिल्म जो है ठीक है, इसमें आपका इंटरेक्शन मेहरबानों के अलावा और किस किस के साथ हुआ? मेरा यासिर भाई से है, नैयर साहब से है, आयशा उमर से है थोड़ा सा, फिर मेरे साथ जो मेरे दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं शफकत चीमा के बेटे जो शहरियार चीमा, वो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, बाबर अली के साथ है। ओके, मतलब इन लोगों के साथ सीन्स है। तो किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मुझे यासिर भाई और नैयर साहब के साथ। अच्छा, आपका मेहरबानों के साथ मज़ा नहीं आया? मेहरबानों के साथ ज़्यादा मज़ा मुझे उनके साथ आया, मेहरबानों के साथ कम मज़ा आया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, और नैयर साहब के तो क्या ही बात है, कमाल एक्टर, बहुत बेहतरीन एक्टर, विलन शक्ल से लगते हैं कि यार। इसमें वो विलन नहीं है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, विलन मुझे अच्छा क्या सर हुसैन है विलन?
नहीं अच्छा नहीं आपको नहीं बताऊंगा मैं अच्छा चल नहीं बताए मुझे नहीं फिल्म हम जब देखेंगे तो पता हाँ तब तब पता चलेगा आपको आपको ये फिल्म देखने पे ही पता चलेगा इसमें विलन कौन है ये ही एक सवाल बड़ा है इस फिल्म के इर्द गिर्द जो घूम रहा है कि इसमें विलन था कौन यस यस ये फिल्म देखें आप 16 फरवरी को तो फिर आपको पता चलेगा लाजमी लाजमी 16 फरवरी 2024 बिल्कुल यस यस एग्जैक्ट डेट बता हाँ हाँ इस दिन आ रही है सिनेमा का भी बता दें कहाँ कहाँ आ रही है नहीं नहीं वो तो हर जगह आ रही है यस 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 हर जगह आ रही है तो लाजमी देखनी है बिल्कुल बिल्कुल आपने भी देखनी है बिल्कुल डन 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 ठीक है और आपने ना बाल अपने ना कटवा लेने जिस दिन आप काटना शुरू करेंगे ना उस दिन मैं कटवा लूंगा किसी ने टिंट करा के चेक करें अच्छे लगेंगे ठीक है डन 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 ठीक है चल थैंक यू आपने टाइम दिया बहुत शुक्रिया जी इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आप भी खुदा हाफिज़ कर अल्लाह हाफिज़ जी इनको भी इजाज़त दें और ताकि ये जाएं और मुझे इजाज़त दें उमर आलम को भी खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़